बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। आज हम सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन का पार्ट 4 स्टार्ट करने लगे हैं और ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन आई विल ट्राई टू समराइज इट क्विकली। सबसे पहले तो जो कुछ बच्चों ने मुझसे जो सवाल पूछे थे उसके जवाब देना ज़रूरी हैं ताकि जो उनकी क्यूरीज हैं यहीं पे ख़त्म हो जाए। साथ में अगर कन्फ्यूजन चलती रहे तो अच्छी तरह तैयारी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया था कंसोलिडेटेड पब्लिक फ़ंड कौन सा होता है। तो जितने भी गवर्नमेंट के फंड रेज होते हैं, रेवेन्यूज़ होते हैं टैक्सेस की शक्ल में या एक्साइज ड्यूटीज़ या इस तरीके से जितने भी या फीसेज वगैरह जितनी गवर्नमेंट ऑफिस में फ़ीस वगैरह कलेक्ट हो रही होती है, तो सारी की सारी ये जाती है कंसोलिडेटेड फंड्स में। तो ये गवर्नमेंट का फंड होता है और जब अल्टीमेटली बजट और बन रहा होता है तो ये पहले इस्टीमेट किया गया होता है कि इतने हमने फ़ंड इससे रेज करने होते हैं। उसके बाद कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों में कि ये फ़ंड अकाउंटेंट जनरल या ये किस तरीके से हो जाता है, अकाउंटेंट जनरल कैसे फ़ंड देता है जबकि गवर्नमेंट ये तो बिल पास करती है। तो इसके बारे में आपको बता दूं, सही है, ये पब्लिक मनी होता है जो गवर्नमेंट रेज करती है और फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है ये हर मिनिस्ट्री से उनके अखराजात के बारे में पूछती है कि आपके आने वाले पीरियड में कितने खर्चे होंगे। तो हर मिनिस्ट्री अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताती है कि हमारे गुज़श्ता साल में इतने हुए थे और हमारा फोरकास्ट एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर में बजट इस्टीमेट हमारा इतना होगा। तो उस पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वर्किंग करने के बाद जितने फंड्स होते हैं फिर लोन से करने हैं या डेफिसिट बजट अगर बन रहा है तो ये फंड पर कैसे पूरे करने हैं, तो वो अपनी वर्किंग करने के बाद हर एक मिनिस्ट्री की एलोकेशन करती है कि इतने इतने फ़ंड हैं। इसकी अगर मैं सादा सी आपको एक मिसाल दूं कि अगर कोई गवर्नमेंट की जॉब करता है और हर महीने वो गवर्नमेंट उसको सैलरी देती है, अब देखें कि गवर्नमेंट ही उसको सैलरी दे रही है और वो सैलरी उसके अकाउंट में चली जाती है, उसका अकाउंट फ़र्ज किया नेशनल बैंक में है, तो उसका जब नेशनल बैंक में पैसे पड़े होते हैं तो नेशनल बैंक भी तो गवर्नमेंट का है। आप पहले भी तनख्वाह भी गवर्नमेंट से ली और गवर्नमेंट के बैंक में ही आपके अकाउंट में पड़ी हैं, तो फिर आपको क्या मिला? अब भाई आपके जो अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो आपके हैं, जब आपका दिल करे चेक लिखें जाके ड्रा करवाएं और उनको इस्तेमाल करें तो आपका उस पर राइट होता है। बाकी नेशनल बैंक के जितने अकाउंट हैं उन पर आपका कोई राइट नहीं, आपका है सिर्फ अपने अकाउंट पर। सेम इस तरीके से पार्लियामेंट जब बिल मंजूर कर लेती है फाइनेंस बिल और मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है वो फंड्स एलोकेट कर देती है हर मिनिस्ट्री को, तो अकाउंटेंट जनरल के पास सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि किस मिनिस्ट्री को कितने कितने हमने फंड्स दिए। हर एक का जो अकाउंट नंबर होता है उसके हिसाब से वो पैसे मेंटेन हो जाते हैं, हर एक की अथराइजेशन का एक लेवल मेंटेन हो जाता है। जैसे आपकी अथराइजेशन अपने बैंक में जो आपने अकाउंट मेंटेन किया उसमें जितने फंड्स होंगे आप उनको ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम इस तरीके से जो मिनिस्ट्रीज़ का अकाउंट होता है वो अकाउंटेंट जनरल के पास होता है और जब आपने उस पैसे को इस्तेमाल करना होता है, कोई बिल पे करना होता है, कोई पेमेंट सैलरी वगैरह देनी होती है, तो वही अकाउंट जिसमें आपके पैसे मिनिस्ट्री के पड़े होते हैं उसमें से वो इस्तेमाल होते रहते हैं और आप बिल वगैरह भेजते हैं तो उधर से ही वो क्लियर होते हैं। तो ये हो जाता है अकाउंटेंट जनरल का काम। और उसके बाद होता है कंट्रोलर जनरल। कंट्रोलर जनरल का काम ये होता है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं या जितनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जितने फंड्स आ रहे हैं जितने खर्चे हो गए उसकी हर एक की बैलेंस शीट वगैरह बनानी और फिनेंशियल पोजिशन के रिकॉर्ड मेंटेन करने। और जो ऑडिटर जनरल होता है वो ये सारा काम जो अकाउंटेंट जनरल ने फंड मेंटेन किए हैं उनमें जितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनको बिलिंग वगैरह हो रही होती है, और जो कंट्रोलर जनरल होता है वो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट वगैरह सारा कुछ बना रहा होता है। तो जो ऑडिटर जनरल होता है उसने जाके व्यू करना होता है, चेक करना होता है कि ये सही मेंटेन किए गए हैं या नहीं। उसके बाद सवाल आया था
कि मुख्तलिफ जो ऑडिट की टाइप ऑडिट करते हैं ऑडिट डीजीए डायरेक्टर जनरल ऑडिट जो है वो जो जो ऑडिट करता है उसकी क्लैरिफिकेशन शायद कुछ नहीं हो रही थी, तो उसमें सिंपल है, सबसे पहले सर्टिफिकेशन ऑडिट था। सर्टिफिकेशन ऑडिट का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो खर्चे किए हैं, जो उसने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई है या जितने भी उसने बिल वगैरह क्लियर किए हैं, तो जो उसने रिकॉर्ड बनाया है वो रिकॉर्ड ठीक हैं या नहीं है। जैसे आप एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो और आप पूरा 2 साल पढ़ते रहते हो और उसके बाद आपकी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ इसने जो रूल्स रेगुलेशन थे, जो सिलेबस था, जो इस डिग्री के लिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी थी, इसने पूरी की है और इसके बाद इसकी जो इसकी सारी ओवरऑल जो 2 साल का ड्यूरेशन इसने टाइम स्पेंड किया है उसकी सर्टिफिकेशन हम देते हैं कि ये बंदा एलिजिबल है और इसकी क्वालिफिकेशन ये काउंट की जाए। तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो इस चीज़ की सर्टिफिकेशन है कि जो सिलेबस वगैरह आपने यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया था आपने वो कवर किया है, पढ़ा है और उस पर आपकी अबूर है, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो जो आपको सर्टिफिकेशन मिलती है तो इट्स मीन कि वो आपने 2 साल में जितनी परफॉर्मेंस की वो आपकी सर्टिफाई होती है। तो सेम इस तरीके से जो ऑडिट अथॉरिटीज़ होती हैं जो सर्टिफिकेशन ऑडिट करते हैं वो जो आपने सारे का सारा पूरे साल में काम किया होता है उसको सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ये इन्होंने जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन थे उसके हिसाब से ये ठीक ठीक मेंटेन की हुई हैं और जो लिखी हैं वो सही बातें लिखी हैं, सही रिकॉर्ड मेंटेन है, जो एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यूज़ हैं, सारा ठीक ठीक लिखा हुआ है, जो फिगर्स आपने अपने रिकॉर्ड में लिखे होते हैं उनको सर्टिफाई करता है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस आप देख लें कि अगर कोई बच्चा है, कोई कहते हैं ना पहले ये बड़ा काबिल था अब नहीं है, या कोई कहते हैं पहले इतना काबिल नहीं था अब काबिल होता जा रहा है, वो हम क्या मैयर लगाते हैं? मैयर ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंस होती है। लेट्स सपोज मैट्रिक में आपके 80% मार्क्स थे और उसके बाद आपके इंटर में 75% आ गए, ग्रेजुएशन में 70% आ गए और उसके बाद आपके मास्टर में 60% आ गए, तो आपकी देखें ग्रेजुअली आपकी परफॉर्मेंस क्या है, डाउन जा रही है, आपकी वो परसेंटेज आपको बताती है कि आप नीचे जा रहे हैं। तो जो परफॉर्मेंस देखी जाती है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट और उसकी वर्किंग वगैरह के हिसाब से देखी जाती है कि उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस पहले गुज़श्ता पीरियड की निस्बत बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर बढ़ रही है तो उसको हम एफिशिएंट कहेंगे, अगर नहीं तो इनएफिशिएंट कहेंगे। तो ये होता है परफॉर्मेंस ऑडिट। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस ऑडिट और अपने कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि जितना जो जो आपने काम किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो आया कि जो आपकी कंट्रोलिंग बॉडी थी उसने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए थे किसी भी काम करने को, जो पॉलिसी थी प्रोसीजर थे उनको आपने फॉलो किया है। अगर फॉलो किया है तो इट्स मीन कि आपने ठीक काम किया है, आपने कंप्लाई किया है उन रूल्स के साथ जो गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किए थे, तो इसको कहते हैं कंप्लायंस ऑडिट। और जो अथॉरिटी ऑडिट होता है वो ये देखा जाता है कि जो खर्चे आपने किए वो प्रॉपर अथराइजेशन के साथ किए या कि आपने कोई शॉर्टकट मारा। तो ये सारे के सारे ऑडिट की टाइप्स भी हमने पढ़ ली। इसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑडिट कंपोनेंट्स ऑफ फेडरल ऑडिट, कि जो फेडरल ऑडिट होता है, जो फेडरल ऑडिट एजेंसी है डीजीए फेडरल गवर्नमेंट का डायरेक्टर जनरल ऑडिट, उसने क्या क्या काम करने होते हैं, और जब आप फ़र्ज़ किया एक एडिटर के तौर पे जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स का ऑडिट करना होगा। अब देखें ऑडिटर ने क्या करना होता है, जाके चीज़ें वेरीफाई करनी होती है, लेकिन हैं क्या क्या चीज़ें उनको अगर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाए, पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं अभी। अच्छा, ये समरी टाइप हैं, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर देता हूँ, उसके बाद हम ज़्यादातर आगे जो हमारे वन बाई वन आते जाएंगे हम उसमें सिर्फ रीडिंग करते जाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को वन बाई वन मैं उस पर इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा। यहाँ पर हम सारे कंसेप्ट जो आगे हम फर्दर जाके पढ़ रहे हैं ये हेडिंग में यहाँ हम उसको क्लियर कर लेते हैं। द मेजर फोकस ऑफ द डायरेक्ट्रेट जनरल ऑडिट
फेडरल गवर्नमेंट इज़ ऑन, किस किस पे होता है गवर्नमेंट का जो फेडरल ऑडिट डीजीए की जो मेन जो एरियाज होते हैं किस पे कंसंट्रेट करता है। पहले नंबर पे है यहाँ पे रेवेन्यू ड्यू टू एंड रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। सबसे पहला जो एरिया होगा रेवेन्यूज़, जो ड्यूज़ हैं और जो रिसीव हो चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट के उनको देखना है। रेवेन्यूज़ कहाँ से होते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या फर्ज किया एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करती है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है, उसके बाद उसको पैसे मिलते हैं। सेम इस तरीके से जैसे FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, या बाकी जो कस्टम है, कस्टम अथॉरिटीज़ हैं, तो बाकी एक्साइज वाले हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं मुख्तलिफ रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते हैं। अब ऑडिट अथॉरिटीज़ का क्या काम होता है कि जो एक डिपार्टमेंट में जाते हैं जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर रही होती हैं तो वो ये देखती हैं कि रेवेन्यूज़ जो इन्होंने कलेक्ट किए ठीक किए हैं, जो कलेक्ट किए थे उनको इन टाइम जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स थे उनमें सबमिट करवाया या नहीं करवाया, और जो जमा जो कलेक्ट किए थे वो सारी की सारी अमाउंट्स जमा करवा दिए या उनमें कोई लीकेज या स्पिलेज वगैरह हुई है। तो ये रेवेन्यूज़ के हेड में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड हेड होगा एक्सपेंडिचर्स। हर ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की है उसको फंड्स दिए जाते हैं जो उन्होंने पूरे साल में खर्चे करने होते हैं, उनमें तनख्वाहें होती हैं, बाकी परचेजिंग होती है और छोटे मोटे मिसलिनियस किस्म के खर्चे होते हैं। तो ये देखना होता है कि जो इन्होंने फंड्स इनको मिले थे खर्चा करने के लिए इन्होंने वो खर्च किए हैं ठीक जगह पे किए हैं, कितने किए हैं, किस अथॉराइजेशन किस रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ठीक ठीक किए हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो इन्होंने प्रॉपर मेंटेन किए हैं, इनके फाइल्स रिकॉर्ड वगैरह सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं, सारी चीज़ें प्रूफ हैं, ये सारा कुछ एक्सपेंडिचर का ऑडिट जब कर रहे होंगे तो उसमें ये चीज़ें कन्फर्म की जाएंगी। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ मनी टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने फंड्स जो है मुख्तलिफ ऑफिसेज़ वगैरह को, जो भी उसकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ के बाद डिवीजन्स हैं, डिवीजन्स के बाद उसके बाद अटैच डिपार्टमेंट्स या डिपार्टमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन जितनी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, तो उनको जो फ़ंड एलोकेट किए जाते हैं उनका देखना कि इन्होंने फ़ंड्स फर्दर कैसे ट्रांसफ़र किए हैं। रिसीट्स ऑफ फॉरेन एड, इसके बाद आता है रिसीट्स ऑफ फॉरेन एड कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट किए होते और आपके रेवेन्यूज जनरेट हुए हैं या फॉरेन एड आपको मिली है तो उसकी क्या पोजीशन है। इसके अलावा फेडरल डेट है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स जिन्होंने लोन रेज करना होता है, डेट रेज करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट बजट बनाती है। डेफिसिट बजट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कम हैं और खर्चे ज़्यादा हैं, जब खर्चे ज़्यादा हो जाएँ तो जो खर्चा पूरा करने के लिए आपको उधार लेना पड़ता है। वो जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन वो डिपार्टमेंट्स जिन्होंने डेट रेज करना होता है उसकी वो देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने कितने डेट्स रेज किए और उनकी फर्दर कंजम्पशन कहाँ कहाँ पे की। और इसके अलावा अगर सेकंड लास्ट है हमारा फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स, जो भी गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके फिक्स्ड और करंट एसेट्स की क्या पोजीशन है। फिक्स्ड एसेट जो इसके चार्ज पे हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हैं या कहीं, ये तो नहीं कि रिकॉर्ड में शो रहे हों लेकिन फिज़िकली ना पड़े हों, तो ऐसी तो पोजीशन ही। और बाकी ये देखना कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन, उनकी हिफाजत और उनकी डेप्रिसिएशन वगैरह प्रॉपर मेंटेन की गई है, उनको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनकी मेंटेन है। और इसके अलावा जो ग्रांट्स हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ग्रांट दे रही होती है डिपार्टमेंट्स को, तो उनका रिकॉर्ड वगैरह देखना। ये सारे के सारे ये ऑडिट कंपोनेंट्स हैं जिनका एक ऑडिटर ने जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करना होता है। अच्छा जी, सम रिस्क टू बी कंसीडर ड्यूरिंग एन ऑडिट ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूड। जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो ऑडिट रिस्क का मतलब ये होता है, रिस्क का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ एट रिस्क है, मतलब कोई भी कि ये मैं रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क का मतलब होता है जहाँ पे आपको कोई नुकसान होने का ख़तरा हो, तो कहाँ पे रिस्क हो सकता है कि वो एरिया जो वीक एरिया हो वहाँ पे रिस्क होता है।
जैसे कोई दीवार में दरार आ जाए तो आप ये कहते हैं कि ये तो अब रिस्क पे है कि किसी टाइम पे भी ये नीचे आ सकती। तो सेम इस तरीके से जब ऑडिटर किसी डिपार्टमेंट में जाता है तो वो जब देखता है कि इसकी दीवार में कहाँ कहाँ पे दराड़े हैं, ये तो मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि दीवार में कहाँ कहाँ पे दराड़े हैं, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या वर्किंग कंडीशंस हैं, उनको वो जब देखेगा तो उसको पता चलना चाहिए कि इनका कौन सा एरिया वीक एरिया है, जहाँ पर दराड़ है, जहाँ पर लीकेज स्पिलेज का खतरा है, जहाँ से चोरी चकारी का चांस है, जहाँ पे उसको लगेगा कि इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे वीक है तो वो उसको थारोली चेक करेगा। सेकंड पॉइंट है फ्लक्चुएशंस इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड एक्सचेंज रेट्स दैट कैन इफेक्ट द प्राइसेस ऑफ गुड्स मटेरियल एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट के जो सारे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे होते हैं, यहाँ पे मसला तब बनता है जब एक्सचेंज रेट जो है आपकी जो मनी है वो डीवैल्यूएट होती है या इवैल्यूएट होती है, अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होती है, तो उससे जो आपके रिकॉर्ड हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। मतलब पहले जो आपने एक चीज़ शो की हुई थी अमाउंट से, अब जो करंट उसका बैलेंस फर्क किया, उसका डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, तो उसकी अमाउंट्स को एडजस्ट करना ये बड़ा मामला हो जाता है। तो इसको बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है ऑडिटर को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक कंडीशन दैट कैन इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड। इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशंस की बेस पे टैक्सेस जो हैं, कभी जब गवर्नमेंट अपने बजट बना रही होती है तो सम टाइम आने वाले वक्त में टैक्स की जो रेट है वो कम करना पड़ता है, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाते हैं गवर्नमेंट को। और फर्दर ये कि जो टैक्सेस की रेट आगे पीछे होने से जो ऑडिटर है वो जब देख रहा होता है कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ यहाँ से हुई और पिछले साल में टैक्स रेट की कलेक्शन या इस पे टैक्स की ड्यूटी इतनी बनती थी, अब वही चीज़ जब इस साल में होगी तो टैक्स रेट अगर रीएडजस्ट हुआ है, उसका रेट ऊपर नीचे हुआ है, तो उसकी अमाउंट भी चेंज होगी। तो ये भी मामला बड़ा ध्यान से देखने वाला होता है कि जो टैक्स रेट्स हैं वो प्रीवेलिंग रेट्स के हिसाब से अप्लाई किए गए हैं या कि कहीं उसमें कहीं एरर वगैरह तो नहीं की गई। इस पेज का लास्ट पॉइंट है कीपिंग ट्रैक ऑफ एसेट्स, प्रोटेक्टिंग दियर कंडीशन एंड मेंटेनिंग फिजिकल कस्टडी ऑफ एसेट्स। के जो आपके बिजनेस के ये जो गवर्नमेंट एंटिटी है उसके पास जितने फिजिकल एसेट्स हैं उनकी सेफ्टी है, उनकी कस्टडी है, उनकी प्रोटेक्शन है, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, ये सारे का सारा उसने देखना होता है। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी होती है, पोटेंशियली लाइबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल डैमेज और डैमेजेस ड्यू टू लीगल एक्शन बाय पर्सन इंपैक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। अगर फर्ज किया एक जगह पे गवर्नमेंट की कोई डिपार्टमेंट है और ये भी हो सकता है कि कहीं पे फर्ज किया एक ऐसी डिपार्टमेंट हो जैसे उसके जो पड़ोस में इर्द गिर्द में रहने वाले हैं उनको प्रॉब्लम होती हो, जैसे फर्ज किया कोई बारूद वगैरह बनाने की फैक्ट्री हो जहाँ पे धमाका वगैरह भी कोई हो जाए और उससे जो उसके सराउंडिंग एरियाज़ हैं उसमें कोई पोल्यूशन हो जाए या कोई बीमारी ऐसी लग जाए जिससे वो जाके फेडरल गवर्नमेंट को केस कर दें और उससे गवर्नमेंट को पेनल्टी पड़ जाए, तो इस तरह के मामलों को भी देखना पड़ता है। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स एंड अदर अनफॉर्चुन अक्रेंसेज दैट कैन प्लेस डिमांड ऑन द रिसोर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो अनफॉर्चुन सिचुएशन होती हैं, उनके बारे में भी देखना कि पहले क्या हुआ था और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। तो ऑडिटर ने इन चीज़ों को भी कंसिडर करना होता है कि जिस डिपार्टमेंट की वो चीज़ें देख रहा है तो कोई उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं पहले हो चुका जिसकी जद में वो आई हो और उसके लॉसेज अकर हुए हों। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है प्रायर ईयर ऑडिट्स ऑडिट रिजल्ट्स एंड मे दैट मे हैव ए बियरिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर सम ऑफ द इंस्टेंसेस मे बी। नीचे मिसालें इसकी कोई दी गई हैं इसी बात की जो बात मैं अभी आपको समझाने लगा हूँ कि जो पिछले साल में ऑडिट हुआ था उसमें ऑडिटर ने कुछ रिपोर्ट्स लिखी थी और कुछ लिखा था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका इम्पैक्ट आने वाले साल में होगा, तो इस तरह के जो पिछली ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से इम्पैक्ट इस साल में आना था तो वो क्या इम्पैक्ट रहा है उसको भी वो ऑडिट करेगा, उसको भी बड़ी केयरफुली एग्जामिन करेगा।
इसमें क्या क्या मिसालें उसने दी हैं, ओवर एक्सपेंडिचर अगेंस्ट वन ग्रांट एंड अंडर एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अनदर। तो एक फर्ज क्या है, एक ग्रांट मिलती है एक वक्त में, उससे ज़्यादा वो खर्चे कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक डिज़ास्टर हुआ था और जो बिल्डिंग वगैरह थी वो सारी डैमेज हो गई, उन पे वर्किंग करनी पड़ी या फ्लड आया, तो एक साल में हो सकता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के लिए 10 लाख का खर्चा हो गया हो और आने वाले साल में 1 लाख भी खर्चा ना हुआ हो। तो ये जो डिज़ास्टर्स या अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कोई होती है उससे कोई इस तरह के मामलात हो सकते हैं। या फर्ज किया जो पिछले ऑडिट में जो पॉइंट लिया गया था कि इस साल में कम खर्चे हैं तो अगले साल में इसके ज़्यादा होंगे, तो आया कि वही हुआ कि नहीं, पिछले साल में नॉर्मल हालात थे 1 लाख खर्चा हुआ, तो चूँकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस पिछले साल में कम हुई थी इसलिए ये कह सकते हैं कि आने वाले साल में अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ेगी तो खर्चे भी इसके बढ़ जाएंगे। तो पिछली चीज़ों के साथ हॉरिजेंटल एनालिसिस करने से आपको जो है वो पता चल सकता है, वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजेंटल एनालिसिस आप जब लगाएं तो आपको पता चलता है कि अब नॉर्मल सिचुएशन क्या थी जिसकी वजह से खर्चों में फ़र्क आया। लैक ऑफ रिकंसिलिएशन, रिकनसाइल नहीं होते सिस्टम रिकॉर्ड्स, लैक ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टर्म एंड कंडीशन अटैच टू लोन्स, कि जो आपके लोन आपने रेज किए उनके साथ टर्म एंड कंडीशन को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना होता है कि ये जो हमने लोन रेज किया इसको ये कंडीशन हैं, हमने पे इसको कैसे करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, नीड फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी इन रिपोर्टिंग, जब उसको रिपोर्ट आउट कर रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी भी कुछ मेंटेन हुई, पहले से बेहतर हुई या नहीं। जनरेशन ऑफ अकाउंट्स नॉट टाइमली, अगर कोई पहले रिकॉर्ड इन टाइम मेंटेन नहीं हुआ था, उसका ऑडिट ऑब्जेक्शन लिया था, तो अब उसको प्रॉपरली मेंटेन किया गया या नहीं किया गया। लास्ट पॉइंट है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फ्राम प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स एंड रिकन्सिलेशन बाई द डीडीओ नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, तो अगर जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक मिनिस्ट्री का जो है गवर्नमेंट लेवल के जो एम्प्लॉई लेवल के होते हैं उनका हेड होता है और ये सेक्रेटरी के अंडर डायरेक्टली होता है, और इसका देखना होता है कि जितने भी गवर्नमेंट को फंड्स मिलते हैं इस प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ने अपनी मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड को मेंटेन करवाना होता है कि जो आपने खर्चे वगैरह करने हैं उनको जितने फंड की एलोकेट। तो डीडीओ जो होता है हर मिनिस्ट्री में हो सकता है 2-3 डीडीओ, ड्यूटी डिसबर्सिंग ऑफिसर इससे बनता है कि वो बंदा जिसने जो बिल पे होते हैं उन पे साइन वगैरह करके बिल को भेजना अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में, और ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का काम है कि डीडीओ अपना प्रॉपरली काम कर रहा हो। अगर फर्ज किया कोई डीडीओ सही काम नहीं कर रहा तो उसकी स्ट्रिक्टनेस ना होने की वजह से यहाँ पे लूप होल्स हो सकते हैं, तो उनको भी देखना इसी का काम होता है। ऑडिटर ने उसको प्रॉपर देखना होता है कि डीडीओ ने अगर अपनी ड्यूटियाँ सही तरीके से नहीं की हुई तो उसमें हो सकता है कि फ्रॉड वगैरह या एम्बेजलमेंट कहीं ना कहीं हुई हो। द ऑडिटर शुड बी ऑब्जर्वेंट फॉर एनी पॉसिबल रिस्क, कोई भी आने वाले वक्त में कोई ऐसा रिस्क जो एम्प्लॉई की समझ में ना आ रहा हो तो ऑडिटर ने उनको ओवरसी करना होता है और बताना होता है, दैट कुड अफेक्ट द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, इसने सारा कुछ देखना होता है कि फेडरल गवर्नमेंट को कहीं इससे कोई लॉस वगैरह ना हो रहा हो। द ऑडिटर शुड डिसाइड वट एस्पेक्ट्स ऑफ दीज रिस्क शुड बी टेकन इन टू अकाउंट वैन प्लानिंग द ऑडिट, और ये ऑडिटर ने देखना था कि जब वो ऑडिट प्लान कर रहा है तो कौन कौन से एरियाज़ को ज़्यादा कंसिडर करेगा और कंसनट्रेट करेगा। इसके बाद आता है जी ऑडिट ऑफ रेवेन्यूज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फंड्स रेज किए जाते हैं उनको ऑडिट करना, तो अभी इसको मैं डिटेल में इतना नहीं पढ़ूंगा। रेवेन्यूज़ का मतलब यही है कि जितनी कलेक्शंस हैं, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यूज आर फेडरल टैक्स कलेक्शंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों इसमें शामिल आते हैं, फॉरन लोन्स एंड ग्रांट्स जो बाहर से कर्जे लिए जाते हैं या कोई ग्रांट्स वगैरह आती हैं, इसके अलावा डोमेस्टिक डेट रिसीट्स, एक होती है फॉरेन एड या फॉरेन लोन, इसके अलावा होते हैं डोमेस्टिक डेट। डोमेस्टिक डेट का मतलब ये है कि जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सोर्सेज से कर्जा लिया गया हो। रिसीट्स ऑफ मनी, मनी एंड इन काइंड कंट्रीब्यूशन थ्रू लोन्स एंड ग्रांट्स शुड बी रिव्यूड टू इंश्योर दे हैव बिन प्रॉपरली डेल्ट विद फ्राम ए रेवेन्यू परस्पेक्टिव इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, के इनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है।
द ऑडिटर देयरफॉर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन दिस एरिया. तो गवर्नमेंट की जो करंट पॉलिसी है उनको वो देखेगा. द ऑडिटर शुड ऑल्सो कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ अटैच टर्म्स एंड कंडीशन टू इंश्योर कंप्लायंस. फिर इसके अलावा जो है जो लोन रेज किए जाते हैं उनमें से कोई एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो भी देखने थे कि उन पर प्रॉपरली अमल किया जा रहा है. द डेट एस्पेक्ट ऑफ दीज लोन्स इज एड्रेस्ड बिलो. तरीक़ाकार क्या होगा यहाँ पर आप डिटेल में आगे पढ़ते हैं. ये तो था ऑडिट ऑफ रेवेन्यूज़. इसके बाद आ जाता है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू का उधर ही तक की था. देयर इज़ ए सेंट्रलाइज्ड प्री ऑडिट सिस्टम प्रीवेलेंट इन पाकिस्तान. के जो प्री ऑडिट होता है, प्री ऑडिट का मतलब ये कि अभी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं हुई तो आपने पहले जो कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, जो आपके ऑडिट करवाने से पहले आपने जितने भी खर्चे किए होते हैं उनको सर्टिफाई करवाना होता है. उसका क्या प्रोसीजर आगे यही इसी में पढ़ेंगे. इसके बाद विच रिक्वायर द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स. यानी कि प्री ऑडिट की ये डेफिनेशन बता रहा है. दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. देयर इज़ ए सेंट्रलाइज प्री ऑडिट सिस्टम प्रीवेलेंट इन पाकिस्तान विच रिक्वायर्स द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द फेडरल प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स टू गेट दियर पेमेंट प्रोसेस्ड फ्राम द प्री ऑडिट offices that work under the supervision of the controller general of accounts. CGA के अंडर जितने जो है ये प्री ऑडिट offices काम कर रहे होते हैं इन्होंने अपने यहाँ से सर्टिफाई करवाने होते हैं जितने अभी तक खर्चे किए होते हैं. ठीक है जी. एंड द कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री ऑफ फाइनेंस. और इसका कंट्रोल मिलिट्री फाइनेंस का इसके ऊपर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऊपर कंट्रोल होता है इसके CGA पे. सिंस द पेमेंट्स आर प्रोसेस्ड इन द प्री ऑडिट ऑफिसेज द अकाउंट्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय देम एंड द कंसोलिडेटेड इन द ऑफिसेज ऑफ द अकाउंटेंट जनरल विच आर द फील्ड ऑफिसेज ऑफ द कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स. तो यहाँ पे जो ये ऑफिसेज होते हैं जहाँ से प्री ऑडिट के रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे होते हैं ये CGA का ही सब ऑफिस होता है और इसकी CGA का ही ऊपर कंट्रोल होता है और यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं और ये डिपार्टमेंट वाइज मेंटेन कर रहा होता है प्री ऑडिट में. और ये फर्दर जब पूरी गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स बनती हैं जो अकाउंटेंट जनरल बनाता है तो ये इन्हीं से रिकॉर्ड लेके फाइनल आगे कंप्लीट उसको कंसोलिडेट करता है. इसके बाद आता है इन केसेस वेयर सर्टन डिपार्टमेंट्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर ऑथराइज्ड टू मेंटेन अकाउंट्स. अगर किसी भी डिपार्टमेंट का अपना एक अकाउंट है, नॉर्मली हर एक का अपना अकाउंट नहीं दिया जाता डिपार्टमेंट वगैरह को, वो मेन अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं और उनका रिकॉर्ड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पास होता है. अगर किसी के पास एक अपना अकाउंट है, डिपार्टमेंट को ऑथराइज किया गया है कि तुम्हारा ये अकाउंट है, इसमें जितने तुम्हारे रेवेन्यूज़ हों उसको पुट करो और जितने तुम्हारे एक्सपेंडिचर हों उसको पुट करो, फिर क्या होता है दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ देयर पेमेंट्स एंड रिसीट्स. फिर ऐसी डिपार्टमेंट को क्या करना होता है, अपनी जितनी भी उसके रेवेन्यूज़ या रिसीट्स कैश की हुई होती हैं तो और जितनी उसमें से पेमेंट्स हुई होती हैं उनकी डिटेल वाइज उन्होंने तैयार करना होता है. विच आर मर्ज विद दी सेंट्रल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय दी अकाउंटेंट जनरल. फिर इनको क्या किया जाता है कि जो अकाउंटेंट जनरल ने मेन अकाउंट्स गवर्नमेंट के प्रिपेयर कर रहा होता है तो इनको भी उन्हीं में मर्ज कर दिया जाता है. द ओवरऑल पेमेंट प्रोसेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एट अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू इज इलस्ट्रेटेड बिले. अच्छा, नीचे जो है जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक डिपार्टमेंट अपना कोई भी बिल वगैरह भेजती है जो उसके अपने कैश उसको ऑथराइज है, गवर्नमेंट ने उसको दिया था और अकाउंटेंट जनरल के पास उसकी एक रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, तो क्या होता है कि जब एक ऑफिस एक डिपार्टमेंट अपने वो फंड्स वगैरह को इस्तेमाल करना चाहता है, वो कैसे बिल रेज करेगा, अकाउंटेंट जनरल के किस ऑफिस में भेजेगा, अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में क्या क्या उस चीज़ें चेक की जाएंगी और फर्दर उनकी प्रोसेसिंग के बाद पेमेंट किसको सप्लायर वगैरह को जब की जाएगी तो उसके वो अकाउंट में से वो माइनस हो जाएगा और उसका फर्दर बैलेंस शो हो रहा होगा उसको माइनस करने के बाद. अब मुझे नहीं पता कि इसमें ये रीड ये आप जो है, मैं सॉफ्ट कॉपी में नोट्स जो है आपके फेसबुक ग्रुप, आप लोगों को पहले बता भी रहा था मैं कि फेसबुक का ग्रुप मैं नीचे कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी दे दूँ और सॉफ्ट कॉपी मैं उधर शेयर कर देता हूँ. अगर मैं कभी भूल भी जाता हूँ तो आप
कोई मुझे याद करवा दिया करे, मैं उधर शेयर कर दूंगा। तो उधर आप ये इसको डिटेल में पढ़ लेना कि सिस्टम कैसे आए, मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जब एक डॉक्यूमेंट्स जाते हैं उनको क्या चीज़ चेक की जाती है, उनको रजिस्टरों में एंट्री की जाती है, जब ऑल ओके हो जाता है एंड पे तो उनको चेक इशू कर दिया जाता है सप्लायर को, और जो उस डिपार्टमेंट का फंड और अकाउंट मेंटेन होता है उसमें से वो अमाउंट माइनस करने के बाद उसका बैलेंस बताया लिखा जाता है कि इतना इसका बैलेंस अब बच गया है। इसके बाद आता है ऑडिट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ट्रांसफर्स। जो ट्रांसफर्स की अमाउंट होती हैं वो कैसे फेडरल गवर्नमेंट का ऑडिट, फेडरल गवर्नमेंट ट्रांसफर्स टू अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट शुड बी एग्जामिन्ड एज पार्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ए स्पेसिफिक ऑडिट प्रोग्राम ऑन दिस टॉपिक, द ऑडिट प्रोग्राम ऑन ट्रांसफर इज प्रोवाइडेड इन द वर्किंग पेपर किट। कोई नहीं, इसमें मुश्किल कोई बात नहीं थी, ट्रांसफर की अमाउंट वगैरह जितने भी है। ऑडिट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑडिट सॉरी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट डेट, जितने कर्जे होते हैं उनका ऑडिट कैसे किया जाएगा। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट्स मे सब्जेक्ट टू देयर लीगल पावर फाइनेंस देयर ऑपरेशन थ्रू बोरोइंग्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, कर्जे भी लेती है लोकली या फॉरेन से। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द एनटीएसआई एज एरियाज ऑफ द ऑडिट अटेंशन। तो ऑडिट वालों ने क्या क्या एरियाज देखने होते हैं, नंबर वन इंटरनेशनल बोरोइंग, लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स और अदर इंटरनेशनल बॉडीज, इसको क्या कहते हैं इंटरनेशनल बोरोइंग्स, और इसको ऑडिटर देखेगा। सेकंड नंबर पे डोमेस्टिक बोरोइंग्स, प्रोसीड्स ऑफ पब्लिक सेविंग स्कीम्स, दीज इंक्लूड अमाउंट्स ऑन डिपॉजिट इन सेविंग बैंक ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स। कि अगर जैसे नेशनल सेविंग बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी है, और ये क्या होता है कि जितने लोगों ने अपनी सेविंग होती है वो बैंक में जमा करवाते हैं और गवर्नमेंट उनको यूज़ भी करती रहती है और उन पे इंटरेस्ट वगैरह पे करती है और उनकी मुख्तलिफ स्कीमें होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह रेज इशू करती है जिससे लोग ख़रीदते हैं और वो फंड जो होते हैं गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं और गवर्नमेंट उन फंड्स पे जो रेज करती है उस पे कुछ परसेंटेज देती है जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं। तो ये जितनी बारोइंग्स होती हैं इनको हम डोमेस्टिक बारोइंग्स कहते हैं। तीसरे नंबर पे सिक्योरिटीज, दीज इंक्लूड ट्रेडिशनल बारोइंग्स फ्राम क्रेडिटर्स अंडर फॉर्मल एग्रीमेंट विच नॉर्मली स्पेसिफाई द अमाउंट बारोड, द इंटरेस्ट रेट चार्ज और डिस्काउंट रिक्वायर्ड, द सिक्योरिटी टू बी गिवन। यहाँ पे एक बात है कि अगर फर्ज किया गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी इशू करती है, कोई भी उसका स्कूक बॉन्ड है या कोई भी नाम है, एक सिक्योरिटी इशू करती है उसकी फेस वैल्यू 1000, और 1000 का अगर वो एक सिक्योरिटी मिलती है तो एक बंदा जाता है और बैंक से एक सिक्योरिटी परचेज कर लेता है। अब उसने 1000 बैंक को दिया और सिक्योरिटी उसने अपने पास रख ली। गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि 15% इन्वेस्ट उस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जब एक साल गुजर जाएगा तो गवर्नमेंट उस 1000 पे 15% के हिसाब से 150 रुपये उसको एज ए इंटरेस्ट देगी और उसका अमाउंट पड़ी रहेगी। एक तो ये हो जाता है कि मतलब उसको इंटरेस्ट पे किया जाए, जितने उसकी फेस वैल्यू थी सिक्योरिटी की उतना ही उस ख़रीदने वाले से पैसे लिए जाएं, कलेक्ट किए जाएं। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो सिक्योरिटी थी उसकी फेस वैल्यू नज़र आ रही थी ऊपर लिखी है 1000, जबकि वो मिलता है बैंक उसको ऑफ़र करता है कि 700 में वो मिलेगा। भाई क्यों मिलेगा 700 में, क्यों? गवर्नमेंट कहती है 5 साल के बाद ये जो इसकी फ़ेस वैल्यू ये मिच्योर हो जाएगा और आप 1000 में वापस सिक्योरिटी को बैंक में जमा करवाने के बाद 1000 वापस ले सकते हैं। तो अब जो है 300 उसको मिल गया 3 साल या 5 साल जितना ड्यूरेशन था उसकी इन्वेस्टमेंट का। तो ये होता है जो अगर फेस वैल्यू से कम पैसे लें तो डिस्काउंट रेट पे हम इशू कर रहे होते हैं, अगर फेस वैल्यू पे ही आप पैसे कलेक्ट कर रहे होते हैं इन्वेस्टर से तो उस पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है। तो ये थोड़ी सी टर्म्स थी इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर करना मुनासिब समझा। द इंटरेस्ट रेट चार्ज और डिस्काउंट रिक्वायर्ड द सिक्योरिटी टू बी गिवन इफ़ एनी एंड द पीरियड ओवर विच पेमेंट इज़ टू बी मेड। फॉर ऑडिट purposes, securities include those executed for the short, medium and long term. ये लोन की मुख्तलिफ हैं, अगर साल से कम है तो शॉर्ट पीरियड है, अगर 1 साल से 3 साल का है तो मीडियम टर्म है, और अगर 5 साल से ज़्यादा है तो उसको लॉन्ग टर्म लोन हम कहेंगे।
इसके अलावा जो बैंक लोन्स होते हैं, लोन्स मेड पर्सुएंट टू फॉर्मल एग्रीमेंट विद कमर्शियल और नेशनल बैंक कॉरपोरेशन। तो गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ जो जैसे बैंक अल हबीब है, बैंक हबीब है, दूसरा हबीब बैंक है और बैंक अलफला है, तो इनसे भी कुछ फंड्स रेज कर सकती है। इसके अलावा गारंटीज़ हैं टू थर्ड पार्टीज़ से, गारंटी देने के बाद जो गवर्नमेंट लोन इकट्ठा कर ले तो उसको गारंटीज़ में शामिल करेंगे। दीज वुड इंक्लूड गारंटीज़ फॉर बारोइंग्स एंड फॉर अदर पर्पजेज सच एज़ फाइनेंसिंग फॉर एक्सपोर्ट्स एंड फिक्सिंग एक्सचेंज रेट्स, ये स्वैप रेट्स वगैरह मुख्तलिफ होते हैं, तो ये गारंटीज़ में आ जाएंगे। द ऑडिटर शुड रिव्यू द फेडरल गवर्नमेंट्स डेट मैनेजमेंट पॉलिसी। जो ऑडिटर है वो गवर्नमेंट के जाके देखेगा कि डेट पॉलिसी है क्या, इस्पेशली हाउ इट एड्रेसेस द फॉलोइंग की डेट मैनेजमेंट इशूज़। तो ऑडिटर ने क्या क्या देखना होता है, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल डेट्स कमिटमेंट्स एंड कंटीजेंसीज। तो एक तो ऑडिटर ने ये देखना होता है कि इनकी पॉलिसीज क्या हैं और इनकी तफसीलात क्या हैं, डिस्क्लोजर का मतलब तफसील है कि, और इसके अलावा इसकी कमिटमेंट्स क्या हैं कि अगर गवर्नमेंट ने 25 खरब लोन लिया है तो उसको पेमेंट कैसे करनी है, तो ये सारी कंडीशन देखेगा। ट्रैकिंग टोटल डेट वैल्यू कंपेयर्ड टू टोटल फेडरल रेवेन्यूज़ एंड द जीएनपी, तो ये भी देखेगा कि गवर्नमेंट का डेट कितना है, गवर्नमेंट ने रेवेन्यूज़ कितने कलेक्ट किए हैं और अब जो करंट जीएनपी क्या चल रहा है। जीएनपी मीन गवर्नमेंट नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद आता है ट्रैकिंग एनुअल चेंजेस इन डेट बैलेंसेस, कि डेट बैलेंस में अगर कोई चेंज आई है, कुछ पेमेंट की गई थी या कुछ रेज किया गया था तो उनकी क्या पोजीशन है। एनुअल बजट डेफिशिट सरप्लस एंड अदर इंक्रीजेस डिक्रीजेस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैकिंग एनुअल डेट पेमेंट्स एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, के गवर्नमेंट ने कितने एक्सपेंडिचर किए और टोटल उसकी लोन जो रेज किया था उसकी पेमेंट कितनी हो चुकी है। इसके अलावा वेरीफाइंग दैट ऑल ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग द डिसबर्समेंट ऑफ डेट्स आर मेट एंड रिव्यूइंग द इम्प्लिकेशंस, और ये भी देखना कि गवर्नमेंट ने कितनी लाइबिलिटी थी, रिव्यू भी करेगा कि कब इसको पे करना था, अब इसकी ऑब्लिगेशन की कंडीशन क्या चल रही है और जो डिस्पर्समेंट थी, जो किस्तें इसकी पे करनी थी वो हो रही हैं या नहीं हो रही, और अगर इन आने वाले वक्त में कोई इम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। ऑफ़ एनी फेलियर्स टू मीट ऑल ऑब्लिगेशन, और जो जिम्मेदारियां गवर्नमेंट ने अदा करनी है वो पूरी प्रॉपरली हो रही हैं, या अगर कहीं नहीं हो रही तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये ऑडिटर देखेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, और रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज को भी देखेगा। प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग एक्सपेंडिचर अगेंस्ट लोन्स आर कंसिस्टेंट विद द पर्पसेस ऑफ द लोन, और ये भी देखेगा कि जो लोन रेज किया गया था जिस मकसद के लिए, उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसके बाद आता है डिस्टिंग्विशिंग वेदर एक्सपेंडिचर अगेंस्ट लोन्स आर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फॉर ऑपरेटिंग पर्पसेस, और ये भी देखना कि जो लोन रेज किया गया था ये किस पर्पस के लिए रेज किया गया था, आया कि इसका मकसद कैपिटल एक्सपेंडिचर था या रेवेन्यू या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर था। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के लिए लोन रेज किया गया हो तो ये तो एक बड़ा बर्डन बनता जाता है, और अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर के लिए लेते हैं तो उससे एक दफ़ा तो बर्डन होता है लेकिन फ्यूचर में आपके रेवेन्यू इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और वो आप उसकी पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ रिस्क रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट डेट शुड बी मेड टू कंसिडर, तो उसका एनालिसिस करेगा गवर्नमेंट के जो डेट कर्जे हैं, तो क्या क्या उसमें देखेगा, द टाइमिंग ऑफ डेट, कब कर्जा लिया गया, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन और इसको दोबारा अदा कब करना है, द मिक्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डेट, और ये मिक्स होना चाहिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का, सारे का सारा शॉर्ट टर्म नहीं ले लेना चाहिए क्योंकि ये ना हो कि एक ही दम सारा पे करना पड़ जाए और इतना खजाने में पैसे ना हो। द इम्पैक्ट ऑफ डेट पेमेंट्स ऑन द ऑपरेटिंग कास्ट ऑफ द एंटिटी, और जो ऑपरेटिंग कास्ट है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पे कितना इंटरेस्ट वगैरह करना पड़ रहा है पे, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। द मिक्स ऑफ करेंसीज इन विच डेट्स आर डिटरमेंड सॉरी डिनोमिनेटेड, असेसिंग पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन रेट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन दीज करेंसीज एंड द पाकिस्तानी रुपी, तो बाकी ये भी देखना कि
ये डॉलर है, यूरो है या क्या है, तो मार्केट में उन करेंसी की रेट कैसे बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड देयर टाइमिंग, इंटरेस्ट रेट देखना और उसकी टाइमिंग, और द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स एंड व्हेन द फिक्स्ड रेट लोन्स कम अप टू द रीफाइनेंसिंग, कि फिक्स्ड लोन जो है वो आपने कैसे उसको पे आउट करना है। फिक्स्ड रेट का मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा, बल्कि आपने जहाँ से लोन लिया उनके साथ एग्री किया कि मार्केट कंडीशंस कोई भी हों तो हम आपको 10% पे करेंगे। द डिटेल प्रोसेस फ्लो ऑफ फॉरेन डेट रीपेमेंट एंड रिसीट इज़ गिवन बिलो। तो फॉरेन डेट जो है उसकी रीपेमेंट और रिसीट का एक नीचे शेड्यूल दिया गया है, तरतीब दी गई कैसे रेज किया जाता है और पेमेंट कैसे की जाती है इसका, ये भी आप उसमें ही देख लेना, इतना मुश्किल इसमें नहीं है। इसके बाद इन एडिशन टू द ऑडिट ऑफ डेट मैनेजमेंट फ्रॉम, इन एडिशन टू द ऑडिट ऑफ डेट मैनेजमेंट फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव, द ऑडिटर नीड्स टू एग्जामिन द इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंडिविजुअल डेट ट्रांजेक्शंस। तो इनके साथ साथ क्या करना होता है, ऑडिटर ने जो डिपार्टमेंट है उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी देखना होता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे हैं, एंड इंडिविजुअल डेट ट्रांजैक्शन और डेट की जो ट्रांजैक्शन है कि कब आया, कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, वो भी देखेगा। द ऑडिटर इज़ रेफर टू द ऑडिट प्रोग्राम ऑन डेट इन चैप्टर, तो आगे चैप्टर 6 में कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि इनको डेट के बारे में ऑडिट प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑडिट ऑफ एसेट्स, द ऑडिटर शुड चेक दैट द ऑडिटी डिपार्टमेंट्स हैव मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स एंड दैट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बीइंग फॉलोड इन दिस रिगार्ड। द ऑडिटर शुड आल्सो चेक दैट द ऑडिटी डिपार्टमेंट्स हैव मेंटेन्ड ए फिक्स्ड एसेट रजिस्टर विच मस्ट रिफ्लेक्ट द करंट स्टेटस ऑफ एसेट। सिंपल यही बात की गई कि जो एसेट्स इसने परचेज किए हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन किया गया, ये सारा कुछ कंफर्म करेगा। मोर ओवर द ऑडिटर शुड ऑब्जर्व दी दैट नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द डिपार्टमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ एसेट्स, कि उसकी सेफ्टी भी इंश्योर की जाए। द न्यू अकाउंटिंग मॉडल प्रोवाइड्स फॉर द अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स, द ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ new accounting model and verify the fair and true presentation of those assets in accordance with the policy given in NAM. तो सिंपल, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आप पढ़ के समझ जाएंगे इसको। इसके अलावा है ऑडिट ऑफ ग्रांट्स, गवर्नमेंट एंटिटीज रिसीव बजटरी ग्रांट्स फ्राम द फेडरल गवर्नमेंट एनुअली, तो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलती हैं जो बजट में दिए जाते हैं। ए जी पी आर अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू मेंटेन्स ग्रांट फाइल्स फॉर ईच ग्रांट इन विच ऑल रेलिवेंट रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रांट इंक्लूडिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ ऑल डीडीओज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड रीअप्रोप्रिएशन एटसेट्रा आर मेंटेन। द ऑडिटर शुड रिव्यू द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो जितनी गवर्नमेंट्स आएंगी तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू जो है वो हर एक डीडीओ, डीडीओ का मतलब ड्यूटी डिस्पर्सिंग ऑफिसर, हर एक अकाउंटेबल यूनिट का जो है एक डीडीओ नॉमिनेटेड होता है जो वो अपने फंड्स वगैरह की साइन करके भेज रहा होता है, तो उनके प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा और मेंटेन किया जाएगा जो पूरा सपोर्ट करता हो रिकॉर्ड के हिसाब से। इसके बाद आता है ऑडिटर ने क्या क्या करना होता है, रिव्यू अवेलेबिलिटी ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ ईच डीडीओ, ये देखेगा कि डीडीओ का जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मौजूद है। फिर क्या करेगा, चेक दैट अप्रोप्रिएट अकाउंट वाज अप्रूव्ड बाय द अकाउंटेंट जनरल, और ये जितना अकाउंट है हर एक अकाउंट को अकाउंटेंट जनरल से वेरीफाई करवाएंगे। चेक ऑथेंटिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बाय द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर रेलिवेंट मिनिस्ट्री का है वो ऑथेंटिकेट करेगा अपने अकाउंट्स को। इसके अलावा डी पॉइंट पे है रिव्यू ग्रांट फाइल्स टू इंश्योर दैट ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल, और जो ग्रांट्स के फाइल्स हैं उनको प्रॉपर मेंटेन करना होगा। चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी टू इंश्योर दैट देर आर नो अरिथमेटिकल एरर्स, तो बाकी जम तफरीक भी सारी प्रॉपर देखी जाएगी। चेक दैट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वॉज अप्रूव्ड बाई द डिप्टी फिनेंशियल एडवाइज़र,
एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पे हर मिनिस्ट्री के साथ अटैच होता है, और उसका जो असिस्टेंट होता है या उसका जो हेल्प कर रहा होता है उसके एक स्केल नीचे होता है, और उसको कहते हैं डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए अप्रूवल ज़रूरी होती है। इसके अलावा पॉइंट जी है, इंश्योर दैट सप्लीमेंट्री ग्रांट फिगर इज़ डिस्क्लोज्ड इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रॉपरली, और इनको प्रॉपर मेंटेन किया गया। पॉइंट एच है, एग्जामिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड ग्रांट फाइल्स टू आइडेंटिफाई ऑल एक्सपेंडिचर नॉट प्रिंटेड इन द स्केड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर। आई है, चेक रिकवरीज अगेंस्ट ग्रांट्स, जो ग्रांट्स दी गई थी उनके अगेंस्ट रिकवरी कितनी होगी। बाकी ये जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और ये अप्रोप्रिएशन और इस तरह में, आप अभी कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, जब बजट का प्रोसीजर हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं सारी की सारी ये चीज़ें भी आपकी क्लियर करता जाऊंगा। आप जो है आप ज़्यादातर टॉपिक टू टॉपिक कंसंट्रेट करने की कोशिश किया करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे रेलिवेंट होंगे जब हम उनको पढ़ लेंगे तो आप रिवीजन में जब जाएंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी। अभी एक माइंड में थोड़ा सा आप स्केच बना लें, स्केड्यूल बना लें कि क्या क्या चीज़ आपकी जो है वो हो सकती है। तो अगर फ़र्ज़ किया आपको ये लगता है कि ये टॉपिक हमारा दोबारा डिस्कस नहीं होगा तो फिर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें अगर फ़र्ज़ किया बजट के रेलिवेंट अप्रोप्रिएशन है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट हैं, बजट एस्टीमेट, इस तरह के जितने सवाल आते हैं उनको अभी आप पेंडिंग करेंगे। जब हम बजट का प्रोसीजर पूरा पढ़ेंगे तो ये सारे आपके सवाल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो आज का लेसन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, काफ़ी लंबा सबक हो गया था आज का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।